वीडियो गेम बिना स्टोरी के कैसा अजीब लगेगा ना, क्योंकि स्टोरी ही तो है जो किसी भी अच्छे वीडियो गेम को मेमोरेबल बनाती है। हालांकि काफ़ी सारे वीडियो गेम्स में ये ऐसा होता नहीं है, पर दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 ऐसे गेम लाया हूँ जो बेहतरीन स्टोरी के लिए जानी जाती है। तो जगड़ लो, पकड़ लो अपने पॉपकॉर्न्स, क्योंकि ये है इंटेंसिफाई। नंबर 5, फायरवॉच एक ऐसी गेम है जो आपको शुरू से जकड़ के रखेगी और शायद रुलाएगी भी हर एक मोड पे। इस गेम का मेन किरदार है हेनरी, जो कि एक पार्क का एक रेंजर है और वो अपना पहला दिन गुजार रहा है शोशोने नेशनल फॉरेस्ट में। आपको इस गेम में अलग अलग जगह जाके मिस्ट्री सॉल्व करनी है और कैंपर्स को भगाना है, पर जो इसका इंट्रो है ना बॉस, शायद सबसे बेहतर इंट्रो है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो सोचो मत, खेल लो। नंबर 4, 2017 का सबसे ज़्यादा हिट होने वाला गेम नियर ऑटोमेटा बताता है दो एंड्रॉयड की कहानी जो एक वॉर में फंस चुके हैं, और ये वॉर इंसानों के बनाए रोबोट्स की ही कर रहे हैं, और यही रोबोट्स ने पृथ्वी पे कब्जा भी कर लिया। हालांकि लोगों ने इसके गेम प्ले की काफ़ी तारीफ करी है, पर इसका स्टोरी लाइन भी है जो इससे और अपीलिंग बनाता है। नियर ऑटोमेटा शायद टेक्निकली इतना बेहतर गेम नहीं है, पर इसकी कहानी, इसके मैकेनिक्स और बाकी चीज़ों में 4 चांद लगा सकती है। नंबर 3, एक अंडरवाटर सिटी जो बना है ताकि बाकी सोसाइटी से दूर रहें, बायोशॉक बताता है एक आदमी की स्टोरी जो इसी सिटी में फंस जाता है जाने अनजाने में। आपको इस सिटी की हिस्ट्री को खोलना होगा और इसके क्रिएटर के बारे में जानना होगा कि कैसे ऐसा हो सकता है, और काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे ये और भी ज़्यादा बेहतर होता जाता है। ये गेम काफ़ी रिच है स्टोरी टेलिंग में, और जिनको भी गेम के साथ स्टोरी पसंद है इसको बिना किसी सेकंड डाउन के खेल सकते हो। नंबर 2, शायद ऐसी गेम्स दिखने को कम मिलती है जहां लाइफ सिमुलेटर और डंजन आरपीजी जॉनरा को ब्लेंड किया गया हो, पर डेवलपर एटलस ने ये काम बहुत ही बखूबी से किया है। पर्सोना 5 में आपको बहुत इंटेंस और लंबी स्टोरी मिलेगी जो लगभग 100 घंटे की स्टोरी आवर है, और 1 घंटा भी इसका आपको ज़्यादा ही अजीब नहीं लगेगा। टोक्यो में इसकी कहानी सेट होती है जहां एक लड़का जिसका नाम जोकर है निकला है गलत को सही करने, चाहे वो ऑफिशियल्स हो, आर्टिस्ट हो या बिजनेसमैन हो, और जब ये वो नहीं करता तब ये अपने नॉर्मल लाइफ यानी कि स्कूल लाइफ की बात करता है, जहां वो स्कूल एग्जाम दोस्त बनाने और प्यारे पढ़ने में बिताता है। गेम 2 नैरेटिव में कूदता उछलता रहता है जो कि काफ़ी अलग और बेहतरीन एक्सपीरियंस है। पर दोस्तों, नंबर 1 पे जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप बिल्कुल नए हो हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। नंबर 1, ये गेम जिसने 2018 का बेस्ट गेम का अवार्ड जीता है, नैरेटिवली और कहानी वाइज बहुत ही इनरिच है। जी हाँ, मैं गॉड ऑफ वार की ही बात कर रहा हूँ, जो कि एक रिबूट है क्लासिक गॉड ऑफ वार की, पर इस वाले गॉड ऑफ वार में कहानी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और प्लॉट प्रोग्रेशन पे भी। इसकी सबसे बड़ी अच्छाई है कि स्टोरी टेलिंग की वजह से इसमें गेम प्ले को ख़राब नहीं करा गया, बल्कि और बेहतर ही हुआ है। ये कहानी एक पिता और बेटे की है जो अपनी माँ को मरने का बदला लेने आए हैं, और ये सब भी एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर वर्चुअल वर्ल्ड में। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो यार आप सब्सक्राइब करो। अगर आपको टॉप 5 वीडियो गेम लास्ट ईयर की देखनी है तो इधर क्लिक करो। अगली बार फिर आऊँगा एक अच्छी सी वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।